हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ही देसी अंदाज में और सबसे अलग चिकन चिली की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने में बहुत ही कम मेहनत और घर में रखे हुए सामान से ही आप बहुत ही टेस्टी चिकन चिली बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम पहले से ही सब सामान की तैयारी करके रख लिए हैं। चिकन को अच्छे से धोकर साफ कर लें, फिर उसमें एक चम्मच तेल डाल दें, नमक स्वाद के अनुसार, विनेगर आधा चम्मच, हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। दो बड़े चम्मच हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दो चम्मच इसमें हम अरारोट डालेंगे और दो ही चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। बहुत ही कम समय में बनके यह टेस्टी चिकन चिली तैयार होता है। इसमें एक अंडा डाल दें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम इधर और तैयारी कर लेते हैं। इधर हम प्याज, दो प्याज, एक शिमला मिर्च, कुछ हरी मिर्च और लहसुन सभी को काट करके तैयार कर लिए हैं, जिससे कि मेरा समय भी बच जाएगा। तो चलिए इधर हम इसका ग्रेवी के लिए तैयारी कर लेते हैं। एक बर्तन में दो चम्मच हम टमाटो सॉस ले लेंगे और दो चम्मच हम इसमें चिली सॉस ले लेंगे। और दो चम्मच इसमें हम अरारोट डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा खाने वाला कलर भी डाल देते हैं। जैसे कि कलर इसका अच्छा आ जाए। अब हम गैस पे एक कढ़ाई गरम करेंगे और कढ़ाई गर्म होने पर हम उसमें तेल डालेंगे। तेल को भी गर्म कर लें और इसमें अब अपना चिकन को छान करके निकाल लेंगे। तेल ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम ताव पे ही इसे फ्राई करें। दोनों साइड से इसे उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लें।
छोटा छोटा चिकन जल्द ही गल जाता है। ये देखिए धीरे धीरे सबको पलटते ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से कलर पकड़ ले। बहुत ही टेस्टी चिकन चिल्ली बनके तैयार हुआ है। एक बार आप जरूर इस तरीके से ट्राई करें। ये देखिए दोनों तरफ से इसका कलर चेंज हो गया है। अब धीरे धीरे करके हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम बचे हुए चिकन को भी छान कर निकाल लेंगे। सारा चिकन हो गया है। अब तेल कम कर दें और उसी कढ़ाई में हम पहले लहसुन डालेंगे और उसे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर हरी मिर्च डाल दें, उसे भी कुछ देर के लिए भून लें। अब हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे और इस सबको डालकर हम नमक भी डाल देंगे जिससे कि शिमला मिर्च और प्याज को गलने में आसानी हो। कुछ ही समय में यह टेस्टी चिकन चिली बनके तैयार हो जाता है। जैसे ही प्याज और शिमला का कलर चेंज होने लगे हम इसमें अपना सॉस डालेंगे जो पहले से तैयार करके रखे हुए थे, उसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन भी डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।